सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, एंड अगर मेरी आप लोगों से पहले नई बात हुई है तो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर. ओके, आई नो. यस, थैंक्स रोहित फॉर कन्फर्मिंग. उसने मुझे कहा है लास्ट टाइम हमारा ये जो प्रोसेस का आंसर था वो हो चुका था. दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर स्टूडेंट्स, बैरियर्स इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, राइट. इसका क्या मीनिंग हो जाता है कि हम स्ट्रैटेजी अगर इम्प्लीमेंट, मतलब हम करने जाते हैं तब हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. मैंने इसमें आपको एक एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में प्लानिंग अच्छा किया है कि यू नो अगर मैथ्स जैसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल चाइल्ड की बात कर रही हूँ मैं, ओके, तो उसने प्लानिंग काफ़ी अच्छा किया था कि रोज इतने घंटे प्रैक्टिस करना है, उतने घंटे प्रैक्टिस करना है. बट वेन इट एक्चुअली कम्स टू प्रैक्टिसिंग तो फिर क्या हो रहा है, ही रियलाइजेस. सी, हम प्लानिंग कितना भी अच्छा करें ना स्टूडेंट्स, रियली जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं वो हमें बाद में ही आते हैं, राइट. तो ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें बैरियर्स मतलब क्या अड़चने आती है, दैट इज वॉट वी हैव टू स्टडी इन टूडेज लेक्चर, राइट. सो सी, देर आर बेसिकली फोर टाइप्स. यहाँ पे फोर टाइप्स में दिया, आप गूगल पे इफ़ यू गो एनी वेयर आप लोगों को बेसिकली यही ढूंढने को मिलेगा, ओके. टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स करके दिखाया गया है, सो आई विल टेल यू क्या एग्जैक्टली है वो, ठीक है, ओके. फर्स्ट पॉइंट इज विजन बैरियर, गोइंग बाय द पीपीटी फर्स्ट. सी स्टूडेंट्स, विजन बैरियर मतलब टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिखा है स्ट्रैटेजिक प्लान, ओके. आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट्स रिटन हियर. ओनली 5% ऑफ द वर्कफोर्स कैन अंडरस्टैंड द विजन. वेरी इंटरेस्टिंग, ओके. सी स्टूडेंट्स, नाउ अभी यू विल अग्री विथ मी आई एम श्योर. विजन जो होता है नॉर्मली कौन बनाता है, कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है. विजन का मीनिंग आपको पता ही है, येस और नो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर अ कंपनी वॉन्ट्स टू बी, ठीक है. यू ऑल नो दिस इज द मीनिंग ऑफ विजन. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, कई बार अब जरूरी है क्या, लाइक मैंने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोच के रखा, मैंने बहुत ज्यादा सोच के रखा है, ओके. बट फॉर एग्जाम्पल टेक टाइम, लाइक इन्फ्लेशन आता है, प्राइस राइज हो जाती है, रिसेशन आ जाता है. आई मीन वॉट आई मीन टू से, क्या ये सब चीज़ें पूछ के आने वाली है. आई मीन सी, टेक द बेस्ट एग्जाम्पल ना, अभी कोरोना वायरस का टाइम है, काफ़ी यू नो एयर बी एन बी होटल इंडस्ट्री का तो बिजनेस एकदम आई वुड से ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है. सो नाउ यू पीपल टेल मी, मैं आपको यही पूछना चाह रही थी कि विजन हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भले ही अच्छा हो, मैनी अ टाइम्स वॉट हैपन्स इज हमारे लक सी स्टूडेंट्स, बिजनेस में काफ़ी बार अगर मैं आप लोगों को बात करूं, लक, टाइमिंग, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ओके. तो मैं आपको बेसिकली यही बताना चाहती थी, ये सब चीज़ें तो है, ओके. आगे अगर मैं आपको बताऊं, कई बार यू नो अगर हमारे टाइमिंग सही नहीं है, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार अगर सब कुछ भी प्रॉपर हो ना, ऐसे कई केसेस भी हुए जहाँ पे कंपनी का जो स्टाफ है वही लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं, ओके. एंड मोमेंट पे, आई मीन वो लोग ने ही सहारा नहीं दिया, एंड में कुछ फिनेंस का प्रॉब्लम आ सकता है, आई मीन ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. तो उसमें वही का है कि एट राइट पीरियड ऑफ टाइम अगर हम नहीं कर पाए, ओके, स्ट्रैटेजिक प्लान मतलब विजन, पीपल आपका विजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम समझ में नहीं आ रहा है उनको, ओके, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है. आगे अगर मैं आपको बताऊँ, लैक ऑफ रिसोर्सेज मतलब इसमें भी सी दैट इज रिटन हियर, रिसोर्स बैरियर में. सी क्या हो जाता है, 60% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डोंट लिंक बजट टू स्ट्रैटेजी. वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, आई विल टेल यू. रिसोर्सेज की हमेशा कमी होती है, यू नो स्टूडेंट्स, मैं किसी को नेम नहीं करूंगी अब, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इंडिया में टैलेंट तो बहुत है, आई मीन दे आर वेरी स्मार्ट, आई नो मैनी पीपल लाइक दैट, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम्स एंड ऑल वो लोग को अपना एडुकेशन छोड़ना पड़ता है, दे आर नॉट एबल टू परस्यू हायर स्टडीज. यू नो इंडिया में इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ स्टूडेंट्स, ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा हाई हमारे कंट्री में ही है. वाई? बिकॉज लोग यू नो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, जो भी रीज़न है, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड एडुकेशन,
ओके, तो आई मीन सेम वे अगर कंपनी में भी, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दू, कई बार अगर हमें अच्छे पैसे लेके कुछ अच्छा खरीदना होता है, कंपनीज अनफॉर्चुनेटली डोंट गो फॉर दैट. क्या हो जाता है, उन्हें इतना लॉस हो रहा है, मे बी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या तो खर्चे इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं. आई मीन यू नो बाइंग अ मशीन इज आउट ऑफ कैपेसिटी फॉर देम, ठीक है. तो दिस इज नोन एज रिसोर्स बैरियर. कई बार क्या होता है, कम रिसोर्स के साथ हमें ज्यादा काम करना पड़ता है. That is what I mean to tell you over here. Okay? Next point, if I talk about very important, this is student. ये point यहाँ पे नहीं लिखा है. क्या बोला है? Resistance to change. Very very important. मैं पहले इसमें आपको एक simple example दे रही हूँ to help you understand this better. स्टार्टिंग में जस्ट गो बैक टू द टाइम वेन यू नो आपके लिए ये लेक्चर एंड ऑल नए नए थे सब. ओके, टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, वेरी ऑनेस्टली, स्टार्टिंग में आई मीन मैं मार्च, तुम लोग के लेक्चर तो चलो कब स्टार्ट हुआ, आई थिंक जून जुलाई समथिंग. हाँ, अब तुम लोग मुझे बताओ, स्टार्टिंग में डिड यू ऑल पर्सनली वेरी यू वेरी कंफर्टेबल यूजिंग जूम? यू नो स्टिल इनफैक्ट आप लोग तो ठीक हो, आई स्टिल नो मैनी पीपल, उन्हें लग रहा है अभी भी उनकी मेंटालिटी यही है कि ऑनलाइन लेक्चर्स में क्या पढ़ाई होने वाला है. हाँ, तो मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ, स्टार्टिंग में जून जुलाई वो टाइम पे आप लोग मुझे बताओ, वेर यू कंफर्टेबल यूजिंग जूम? टेल मी वेरी ऑनेस्टली. राइट, व्हाट पीपल फेल्ट इज यू नो इन जनरल, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, कि ऑनलाइन में टाइम पास ही हो रहा है, रियली अगर हम पढ़ाई की बात करें तो ऑनलाइन में करना ही वो पॉसिबल नहीं है. राइट, तो दैट इज वॉट आई सी. इवन मैं आप लोगों की नहीं, हम खुद की बात करूँ, इवन वी टीचर्स पर्सनली, मैं खुद का तो मेरा तो ठीक है, आई लाइक यूजिंग टेक्नोलॉजी, देयर वर मेनी टीचर्स हु आर नॉट इवन कंफर्टेबल यूजिंग ऑनलाइन. उन्हें यू नो ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है ऐप, उन्हें वो भी नहीं आता था. ओके, आई मीन एन ऑनलाइन हाउ टू कन्वे, लाइक क्या होता है क्लासरूम में इट्स डिफरेंट, मे बी इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. आई मीन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल यू नो जिसमें स्टूडेंट इंटरेक्शन इज इन्वॉल्व, तो वॉट आई मीन इज ऑनलाइन कर लेना वो सब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, वही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी. तो आई मीन रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब मैंने आपको ये एग्जांपल काफी बार कहा है स्टूडेंट्स. बैंक्स में भी अगर आप नॉर्मली देखो व्हाट हैपेंस इज, जो स्टाफ काम करते, जब कंप्यूटर्स एंड ऑल नए नए आए थे, ओके, इवन दीज पीपल वे नॉट कंफर्टेबल. उन्हें क्या लगता था कि नहीं नहीं ये कंप्यूटर कोई काम की चीज़ नहीं है, हम लोग क्यों इसे यूज करें, यूज करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला है हमें, इतना कौन अपना एनर्जी, यू नो स्टूडेंट्स फॉर स्पेशली पीपल फ्रॉम एन ओल्डर जनरेशन, आप उन्हें देखो, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी हो या तो फिर यू नो कंप्यूटर मोबाइल फोन, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है. लाइक यू नो अगर दिन में थोड़ा भी उन्होंने सीख लिया, दे फील एज इफ दे हैव डन अ बिग थिंग. ओके, वही मैं आपको समझा रही थी. ठीक है सर, आई होप इट्स क्लियर. फिर नेक्स्ट का जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर्स, आप सब लोग ये पॉइंट अग्री करोगे. सो फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर्स, आप लोग ही मुझे बताओ, डू यू थिंक अगर हम टीम में काम कर रहे हैं तो झगड़े नहीं होंगे? ऐसा कभी पॉसिबल है? आप खुद सोचो, आप कितने ही भले ही बेस्ट फ्रेंड्स क्यों ना हो, कोई ऐसा बोल रहा है कि मैम कभी मेरा मेरा तो टीम के साथ झगड़ा नहीं हुआ है, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? आप मुझे सोच के बताओ, ऐसा कभी पॉसिबल होता है क्या कि झगड़ा होगा ही नहीं, तुम कितने ही बेस्ट फ्रेंड्स हो? एब्सोल्युटली. सी स्टूडेंट्स, मोर द नंबर ऑफ पीपल मोर द क्रैशेस. नाउ यू विल आस्क मी क्यों मैम ऐसा, सिंपल आंसर है स्टूडेंट्स, जितने ज्यादा लोग, एवरी वन हैज ए ईगो, येस और नो, कि मैं जो कर रहा हूँ सही हूँ, तू कर रहा है वो गलत है, इट इज़ अ ह्यूमन मेंटालिटी, ह्यूमन थिंग है वो. राइट, तो उसमें वही का है टीम वर्क. हम टीम में तो बोलते ही है टुगेदर एवरी वन अचीव्स मोर, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कोई मेंबर है उसको लगेगा कि नहीं नहीं एंड यू नो स्टूडेंट्स आई विल टेल यू वन थिंग, एक्सपीरियंस पे से बोल रही हूँ, जो स्पेशली टॉप मैनेजमेंट होता है ना, आई मीन उनके डिसीजंस लेना, तो बिकॉज आई पर्सनली सीन दिस. सी स्टूडेंट्स, आप जैसे एज एक्सपीरियंस में मैच्योर होते रहते हो ना,
तो उतना इट्स अ फैक्ट, आपका ईगो लेवल बढ़ते जाता है. आई मीन यू नो यू आर नॉट इवन, वो लोग जो होते हैं स्पेशली, आई विल टेल यू पीपल फ्रॉम द टॉप, दे आर नॉट इवन आई मीन रेडी टू लिसन टू अदर्स, दूसरे क्या बोल रहे हैं. उन्हें यू नो इतना ईगो फैक्टर होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तू बोल रहा है वो गलत है. एंड आई पर्सनली फील दिस इज रॉन्ग. सी, ये मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कई बार हो सकता है अगर हम टॉप पे है एंड ऑल ओवर, तो राइट. सो आई मीन वही मैं आपको बताना चाह रही थी, वो भैया. ठीक है, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, ओके, ये टीम का पॉइंट स्टूडेंट्स, यू कैन इंक्लूड इट इन पीपल बैरियर. ओके, पीपल बैरियर मतलब टीम इज नथिंग बट पीपल, लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, राइट. सो आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रैक्टिकल, यहाँ पे लिखा नहीं है. सी स्टूडेंट्स, इम्प्रैक्टिकल का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ. इम्प्रैक्टिकल मीन्स नथिंग बट समथिंग दैट इज अनअचीवेबल. हम बोलते हैं ना प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, कई बार टॉप फाउंडर मेंबर है, उसने एक विजन स्टेटमेंट बनाया है. ओके, सो नाउ यू पीपल टेल मी, विजन इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये आप सबको पता ही है. तो क्या हो सकता है कि समटाइम्स यू नो पेपर पे हमने प्लानिंग एंड ऑल किया, वो बहुत अच्छा है, इट इज रियली वेरी गुड, बट वॉट इज हैपनिंग यू नो, वो रियल लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं अच्छा हो रहा है. आई मीन हम लोग कई बार बोलते नहीं है कि टारगेट्स जो है बेसिकली, ओके, वो पेपर पे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट व्हेन वी एक्चुअली थिंक ऑफ डूइंग इट, लाइक आप लोगों को भी पता है स्टूडेंट्स, आई रिमेम्बर पहले यू नो बिफोर आप लोगों ने भी करियर एंड ऑल कॉलेज सिलेक्ट किया होगा, आप सबको वही लग रहा होगा कि हाँ ये सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है, मेरा अकाउंट्स फेवरेट सब्जेक्ट है, बैलेंस शीट एंड ऑल, आई मीन टेक एनी सब्जेक्ट, ऐसे अकाउंट स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ. ओके, फिर व्हाट आई मीन टू से इज एक्चुअल, जब हम शूज में आते हैं, हम काम करने लगते हैं, तभी हमें पता चलता है कौन सा सब्जेक्ट कितना इजी है, कौन सा कितना डिफिकल्ट है, राइट. तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर, इम्प्रैक्टिकल. ओके, नेक्स्ट थिंग इज सिस्टमैटिक बैरियर्स. यहाँ पे पॉइंट लिखा है मैनेजमेंट बैरियर, मैं अभी आपको इसका मीनिंग समझा रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम थिंग दे हैव टोल्ड ओवर हियर इज सी, मैनेजमेंट बैरियर मतलब सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स रिटन इन द पीपीटी, 85% ऑफ द एग्जीक्यूटिव टीम स्पेंड्स लेस देन 1 आवर और मंथ डिस्कसिंग स्ट्रैटेजी. वेरी इंपॉर्टेंट सी स्टूडेंट, ये बहुत जरूरी है. यू नो काफी लोग, गर्ल्स माइट हैव एक्सपीरियंस दिस अ लॉट, क्या होता है हम लोग बहुत वीडियोज देख लेते हैं ना कि खाना क्या बनाया है, कोई खाना या केक कैसे बनता है, यू नो वी लाइक टू वॉच सच वीडियोज, राइट. इवन बॉयज आई एम श्योर भी लग रही, मेरे पापा भी देखते रहते ये खाना कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना है, बिकॉज इट लुक्स वेरी गुड सेटिस्फाइंग. बट यू नो टिल द टाइम, सो पीपल माइट नॉट नो, खाना बनाने से ज्यादा गर्ल्स को पता ही होगा बैक एंड काम होता है, लाइक सब्जी कट करो, वॉश करो, बाय करने लेके जाओ, आई मीन उसमें ज्यादा टाइम जाता है. तो सेम वे स्टूडेंट्स, कंपनीज में भी क्या होता है, पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर टाइम इन प्लानिंग, रियल इम्प्लीमेंटेशन. हम लोग का भी स्टूडेंट यू नो मेनी अ टाइम्स आई विल टेल यू, हम लोग वो सब चीज़ें देखते रहते हैं कि यू नो ये लाइन अच्छा है, इसमें हमें इतना कमाने को मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बट उसमें यू नो हमारा कितना हार्ड वर्क एंड ऑल जा रहा है वो कोई कभी नहीं देखता है, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट. येस और नो, मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाह रही थी. ओके, कि हार्ड वर्क, एफर्ट्स ये जो होते हैं ये कोई देखता नहीं है, राइट. तो सेम वे हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बोलते हैं ना ख्याली पुनाव बनाते रहो, बट रियल में जब अचीव करने की बारी आती है कोई कुछ नहीं कर पाता है, राइट. दैट इज वॉट इज टोल्ड हियर, सिस्टम के बैरियर. कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, यू नो मैं गवर्नमेंट कंपनीज का आई एम रिफरिंग टू स्पेशली ओवर हियर, वॉट कैन हैपन इज उनके लिए सिस्टमेटिक बैरियर्स क्या हो जाते हैं, वहाँ पे अगर एक छोटी सी बात भी होना स्टूडेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो हाउ थिंग्स आर इन गवर्नमेंट, दे आर सपोज टू फॉलो अ सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये लोग के लिए, सो नो, एंड अगर उन्होंने ये फॉलो नहीं किए दे कैन बी इन ट्रबल.
सेम थिंग इज टोल्ड हियर इज यू नो कि अगर छोटी सी बात हो बट मैनेजमेंट बैरियर, आप लोगों ने इतने पॉलिसीज बनाए बना के कि यू नो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल, दैट इज बेसिकली व्हाट इज टोल्ड ओवर. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट इफ आई टेल यू ऑल, ये पॉइंट्स यहाँ पे टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ. लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू. ओके, लैक ऑफ ट्रेंड पावर मीन्स वॉट स्टूडेंट्स. ओके, मैन पावर आपको पता है नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं. सी स्टूडेंट्स, अगर काफी यू नो दिस इज व्हाट मोस्टली हैपेंस विद स्टार्टअप्स एंड अदर जो ऐसी छोटी कंपनी होती है वो, राइट. हाँ, नाउ यू पीपल टेल मी ट्रेनिंग एंड ऑल क्यों जरूरी होता है बेसिकली. सो आई विल टेल यू. ओके, सी ट्रेन मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को भी, फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता ही है हम ट्रेन कर रहे हैं, यस और नो. ट्रेन करना मतलब क्या, अगर वो कुछ गलती कर रहा है सो वी आर टेलिंग हिम और हर कि नहीं नहीं तुम ऐसे मत करो, ऐसे ही करो, राइट. दैट इज नोन एज ट्रेनिंग. तो सेम वे स्टूडेंट स्टार्टअप कंपनीज यू नो ट्रेनिंग इज नॉट इजी स्टूडेंट्स, उसमें कंपनी का काफी टाइम रिसोर्सेज यूज होते हैं, उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते. मैंने आपको कहा था गोदरेज में इवन व्हेन वी वे ट्रेन, आई मीन यू नो हमारी सैलरी चालू होती है कंपनी की, कंपनी ट्रेनर्स हमें लाने पड़ते हैं, वो सब खर्चा करना पड़ता है. तो मैं आपको वही बोल रही थी, अनलेस कई बार एम्प्लॉयज को खुद ही ट्रेन नहीं होते, दे देमसेल्स आर कंफ्यूज कि यू नो कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है. ओके, मैं आपको यही समझाना चाह रही थी ओवर ईयर्स. तो आई मीन अनलेस एंड अनटिल बैरियर्स का मीनिंग यही हो जाता है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स की बात हो रही है. ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाह रही थी, ये सब जो है प्रॉब्लम्स है. ओके, एंड लास्ट वन इज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. वेरी इंटरेस्टिंग, सी स्टूडेंट्स ये सब कुछ कंसेप्ट्स है, दे आर इनफैक्ट यू नो अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी. मैं आपको समझा रही हूँ कैसे. ओके, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं टेक्स्ट बुक में, मिसट्रस्ट. ओके ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मिसट्रस्ट का मीनिंग क्या है. ओके, मिसट्रस्ट मतलब हमें कोई चीज पे भरोसा नहीं होता है. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक फाउंडर या ओनर हूँ, मुझे हमेशा यू नो एम्प्लॉयज पे डाउट आता रहता है कि वो काम करेगा कि नहीं, अचीव कर पाएगा कि नहीं, या तो फिर इनटॉलरेंस. इनटॉलरेंस और एक पॉइंट है, इसका क्या मीनिंग है कि अगर एम्प्लॉय गलती कर रहा है. सी स्टूडेंट्स वर्किंग विद पीपल स्पेशली इट इज नॉट इजी, आई मीन लोग गलती करेंगे, आपको टाइप्स ऑफ बॉसेस पता ही है. कुछ लोगों का दिमाग शांत रहता है, वेर एज सम पीपल यू नो छोटी सी बात को लेके भी वो लोग बड़ा इश्यू कर सकते हैं, राइट. दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज नैरो माइंडेड, मतलब उनका लॉन्ग टर्म नजरिया होता ही नहीं है, एकदम शॉर्ट टर्म उनकी सोच होती है, राइट. सेल्फ इंटरेस्ट मतलब दे पुट सेल्फिश इंटरेस्ट फर्स्ट, कंपनी का इंटरेस्ट जो होता है बाद में रखते हैं. ओके, अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग का भी मीनिंग यही हो जाता है स्टूडेंट. वेन यू मिसअंडरस्टैंड समथिंग, इसका क्या मीनिंग है कि बेसिकली यू नो यू कुछ तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कुछ कहा, तुम कुछ और ही समझ बैठे, राइट. दैट इज नथिंग बट मिसअंडरस्टैंडिंग. सो मैं ये आंसर से आपको बेसिकली क्या समझाना चाहती थी स्टूडेंट्स, कि ये सब बैरियर्स है, वी हैव टू वर्क ऑन ओवरकमिंग सच बैरियर्स ताकि हमें फ्यूचर में जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया है. मैंने यू नो पर्पजली इसलिए आज के लेक्चर में ईजी रखा आप लोगों के लिए, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू बर्डन. नेक्स्ट वीक जो है वी विल बी स्टार्टिंग विथ न्यू कॉन्सेप्ट लाइक यू नो स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर का क्या रिलेशन है. ओके, या सो एनी वन इज हैविंग एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी.
अभी मैं काम कर रही हूँ, हमारे पास थोड़ा टाइम है स्टूडेंट्स, तो आई विल शो यू वीडियो। सो बिफोर दैट टेल मी वन थिंग, लास्ट टाइम अच्छा शिवानी, अब तक टू बी वेरी ऑनेस्ट यूनिवर्सिटी ने कुछ कहा नहीं है, सो आई विल टेल यू ऑनेस्टली एज ऑफ नाउ, जो केटी एग्जाम्स एंड ऑल है ना, वो चल रहे हैं अभी तक। अगर मैं आपको बताऊँ, मतलब जो लोगों का पहले क्लियर नहीं हो सका था एंड ऑल, अभी वो चल रहा है। सो आप लोगों का, एंड सी डोंट वरी अबाउट एग्जाम्स, बिकॉज आई विल टेल यू द रीजन वाई। वो आपका पहले का जो बैच था ना TY का, वो लोग के रिजल्ट्स भी आ गए। मतलब सी स्टूडेंट्स, आपको पता ही, अगर MCQ टाइप एग्जाम्स होती है तो उसमें पेपर चेकिंग का एंड ऑल कोई टेंशन होता ही नहीं है, यू ऑल ऑलरेडी नो दैट राइट, बिकॉज मार्क्स जो होते हैं अपने आप आ जाते हैं। बिकॉज MCQ में हम लोग पहले कैसे चेक करते थे, हाँ ये पॉइंट राइट है रॉन्ग है, अभी तो वो सवाल ही नहीं है। तो मैं आपको वही समझाना चाहती हूँ, हैंड्स फोर्थ जो है एग्जाम्स भले ही शायद डिले होंगी, बट व्हाट आई मीन टू से हियर इज, यू नो, इट विल बी इजी। एंड ऐसा नहीं बोल रही हूँ, इनफैक्ट कल येस्टरडे आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो उसमें वही लिखा था कि यू नो दे माइट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अप कॉलेजेस आल्सो। को पता ही है लोकल ट्रेन्स एंड ऑल ओपन अप हो गई है राइट, सो यू नेवर नो, आपका नॉर्मल एग्जाम भी हो सकता है। अब तक कुछ कहा नहीं है यूनिवर्सिटी ने, एज सून एज दे टेल एनीथिंग डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। ओके हाँ, सो किसी को और कुछ पूछना है? हाँ मैं आपको वही पूछ रही थी स्टूडेंट्स, ऐसे कोई वीडियोस थे जो मेरे लास्ट टाइम दिखाने को रह गए हो, या तो मैंने आपको नहीं दिखाया है, ऐसा कुछ है? देन यू कैन टेल मी, अभी हमारे पास वी हैव एग्जैक्टली 10 मिनट्स टू गो, मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर ही रही हूँ, तो पहले वो मैं आपको समझा देती हूँ। ओके सो लेट मी टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन, बाय दैट टाइम आप लोग पूछ सकते हो कुछ डाउट है तो। बैरियर्स का मीनिंग यही हो जाता है स्टूडेंट्स, अड़चने या हमें क्या प्रॉब्लम्स आती है उसकी बात हो रही है। सी योर असाइनमेंट क्वेश्चन हैज कम इन योर चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, व्हाट आर द बैरियर्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है? या किसी को और कुछ पूछना है? लेट मी शो यू अ वीडियो नाउ, ओके सो आपको चेंज लगेगा। सो सी स्टूडेंट्स, कई बार आई एम नॉट श्योर अभी वीडियो एंड ऑल वो साथ में आपको दिखेगा कि नहीं, एनीवे जो भी सीन है मैं आपको वही बोल रही हूँ, आज का लेक्चर आई एम रिकॉर्डिंग इट इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट अभी हमारा जो मेरा बोलने का पार्ट था वो हो गया, अभी वीडियो का पार्ट, तो आई मीन जो भी आई एम रिकॉर्डिंग इट इन टू पार्ट्स, ठीक है? सो मैं ये जो